कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी जब लड़के को बेवकूफ बनाकर शादी की जाए ना तो उस शादी का हक मेहर इतना नहीं होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। सीन आनो। भाई बहुत भूख लग रही है, दो पराठे दही और कबाब तल कर लाओ। आपने तो जूस तक पीने से मना कर दिया था। मैं आपको नहीं भूली, आप मुझे भूल गए थे। आपको तो ये भी याद नहीं कि लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था और आपने मुझे विश भी नहीं किया। अपने भी हैं बेगाने जरा सा वक्त पड़ जाए तो बन जाते अनजाने ये रास्तों में सारा, हाँ सुनो, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैं विश की मेहंदी थी, सारी सहेलियां आई हुई थी, मैं भी चली गई। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ क्यों नहीं गई? अम्मी को कहाँ मजा आता है मेहंदी माइयों में। तो उन्होंने तुम्हें अकेला क्यों भेज दिया? तुम्हें भी जाना नहीं चाहिए था। अरे वाह, कैसे नहीं जाती, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अम्मी की थोड़ी है, ना जाती तो उसकी नाराजगी कौन देखता। सारा तुम्हें अंदाजा है सब टाइम क्या हो रहा, जबकि तुम मगरिब के वक्त गई थी। कौन सी नई बात कर रहे हैं आप, मेहंदियां तो खत्म ही लेट नाइट होती हैं, अब मैं रात के 9 बजे तो वापस आने से रही ना। किसके साथ आई हो? नैविश के भाई दानियाल के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी रात गए गैर लड़के के साथ वापस आते हुए? आपको इससे क्या, और आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं किसी के भी साथ आऊं या जाऊं। तुम अभी भी मेरे निकाह में हो सारा, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिए कि जो दिल में तुम्हारे आ रहा तुम करती फिर रही हो। तो क्या मैं आपसे इजाजत लेकर जाती? कान खोल कर सुन लो, तुम अपनी माँ के बगैर अकेली कहीं नहीं जाओगी। वरना वरना क्या? सारा सारा सुधर जाओ, तुम ऐसी हरकतें मत करो कि गुस्से में मैं कुछ कर बैठूं। आप क्या चाहते हैं कि मैं फ्लैट के डर में मैं कैद होकर रह जाऊं, ना कहीं आऊं ना कहीं जाऊं, क्योंकि आपको पसंद नहीं? मैं तुम्हें आने जाने से मना नहीं कर रहा हूं, मगर इतना तैयार होकर जाने की क्या जरूरत थी? कितनी उल्टी सीधी नजरें तुम पर पड़ी होंगी। ओह समझ गई, अव्वल तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं, और अगर जाऊंगी भी तो पुराने बोसीदा कपड़े पहनकर, ताकि लोग मुझे फकीर नहीं समझे।
है नहीं। बेटा कुछ खा लो, तुमने सुबह से एक कप चाय के सिवा कुछ भी नहीं खाया भी है। अम्मी मुझे भूख नहीं है। तुम परेशान हो ना? जी। यानी सारे मामले में मैं तुम्हें भी कसूरवार समझती हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे गलती कहाँ हुई है और आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। मैंने तुम्हें बार हाँ कहा था ना कि तुम हर मामले की रिपोर्ट सारिम को दो। तुमने सारिम को कुछ ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, मुझसे ये गलती हुई है कि मैं सारिम को आम मर्दों जैसा नहीं समझती थी। मगर उसने तो तुम्हें सिर्फ एक बीवी ही समझा ना। अब एक इंसान दूसरे इंसान की भलाई के बारे में भी ना सोचे। जरूर सोचे, लेकिन पहले अपने भले को देखे, फिर किसी और के बारे में सोचे। मैं तो ये समझती थी कि सारे मुझ पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। आंखें बंद करने से तो अंधेरा छा जाता है, और अंधेरे में भला किसी को नजर आता है? कुछ नजर नहीं आता। और अगर सारिम ने भी कुछ नहीं देखा तो उसमें हैरत की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे शौहर ऐसे ही होते हैं जो अपनी माँ बहन की आंख से ही अपने घर को देखते हैं। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी, अम्मी ये वाली लड़की देखें, कितनी प्यारी है ना, और इसके बाल भी देखें, कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे बिग, बहुत मुंह फाड़ फाड़ के हंसती है, और दांत भी ना इसके 32 की बदले पता नहीं 76 दांत हैं इसके। ये वाली देखिए अम्मी, ये तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है, कितनी खूबसूरत है। मुझे ऐश्वर्या नहीं पसंद तो ये क्या पसंद आएगी, और वैसे भी इसकी आवाज ना बिल्कुल मर्दाना है। अम्मी ये देखे मोना, इससे तो मैंने फोन पे भी बात की थी, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। बस मैंने तो सोच लिया मैं इसी को अपनी भाभी बनाऊंगी। चलो देखते हैं इनके घर दो चार दफा जाकर ये कैसी खातिर मदारत करते हैं। समझाने वाले ना कंजूस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी वो 13 नंबर वाली आंटी आई थी, वो कह रही थी कि अदनान की अम्मी अपने बेटे के लिए लड़कियां देखती फिर रही हैं। आप खुद बताएं, अगर ऐसी बात होती तो अदनान की शादी नहीं हो गई होती। अरे अगर उस पागल प्रोफेसर को किसी ने लड़की देनी होती तो पहले ही दे देता है। 30 से ऊपर का हो गया है, झूठ बोलकर पहली शादी हुई है। जाहिर है ऐसी शादियां टिकती नहीं है। अदनान इतने एजेड तो नहीं है, आप तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं उनकी कितनी उम्र है। अरे तू बच्ची है, तुझे क्या पता इन बातों का। और वो बिल्ली वाली आंटी भी झूठ बोलकर गई थी कि अदनान मुझे तलाक के कागजात भेज देंगे, अभी तक तो नहीं भेजे। तुमने कागजात का क्या करना है, तुम्हारी शादी तो खत्म हो चुकी है। अब बेकार की बातें सोचकर अपना वक्त जाया मत करो, समझी। ये बेकार की बातें तो नहीं है। मैं अदनान से अलग हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं उनकी बीवी। मम्मी की शादियां इतनी कमजोर होने लगी हैं कि जरा जरा सी बातों पे टूट जाएंगे। बेटा शादियां नापायदार नहीं हुआ करती, लोगों के रवैये और उनके मनमाने इकदाम गलत हुआ करते हैं। लेकिन सारिम तो बहुत सॉफ्ट है, हर बात का पहलू पॉजिटिव तरीके से देखते थे, और उन्होंने ही अपने हाथों से मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाल दिया। बेटा जहां पर मर्द कानों के कच्चे होते हैं वहां ऐसा ही हुआ करता है। सारिम ने मुझे बहुत हर्ट किया, अब अगर वो मुझे लेने भी आए ना
मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। तो क्या तुम मेरी तरह जिंदगी गुजारना चाहती हो? अब आप क्या चाहती हैं? बेटा तुम सारिम से मिलो, और अगर उसे तुम्हारी किसी भी बात से सदमा पहुंचा है तो तुम उससे माफी मांग लो। माफी मांग लेने से कोई भी छोटा नहीं होता। मैं जितने दिन सारिम के घर रही हूं, जब भी आंटी का दिल चाहा, उन्होंने मेरी सारिम से शिकायतें की, और उतनी ही दफा सारिम ने मेरे सामने हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगी, और एक साल में उसने तकरीबन 10 दफा मेरे सामने हाथ जोड़े और उन गलतियों की मुझसे माफी मांगी जो अम्मी मैंने कभी जिंदगी में की ही नहीं थी। चलो एक बार फिर से। नहीं अम्मी, अब मुझसे ये नहीं होगा। तो फिर अब मैं सारिम को बता दूंगी कि उनके बगैर मैं रह सकती हूँ। वो अपने आप को समझते क्या है? नहीं यार नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, ना किसी आउटिंग पर, ना किसी लंच पर, ना किसी डिनर पर। यार मैं अपने मसले मसाइल में स्टक हूं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता ना? इन तमाम मसले मसाइल को देख लेने के बावजूद मैं अपनी आंखें किस तरह बंद कर लूं? देखो आंखें बंद कर लेने से अंधेरा खत्म नहीं होता। अच्छा बताओ बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, बताओ। अम्मी जब मियां बीवी में एतमाद का रिश्ता टूट जाए ना, तो फिर एक साथ रहने का कोई भी फायदा नहीं। फिर एक दूसरे को अलग हो जाना चाहिए। मैंने भी सोच लिया। बेटा तुम्हारे पापा ना तो मुझ पे यकीन करते हैं, ना एतबार ना एतमाद। उसके बावजूद भी मैंने अपनी जिंदगी से उनका नाम हटाने का सोचा भी नहीं है। अम्मी आपने तो अपनी सारी जिंदगी एक आस पे गुजारी है और गुजार रही है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं गुजार सकती। आखिर इस कदर मायूसी क्यों है जबकि तुम कसूरवार भी नहीं हो? तो फिर मैं क्या करूं? उस शख्स का सर फोड़ दूं या फिर वानिया का? कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि तुम्हारे किरदार पर लगाई गई कालक तुम साफ कर सको। अगर मैं सारिम के नजरों में गिरने के बाद अब कुछ भी नहीं कर सकती, अब मुझ में हिम्मत भी नहीं रही। नहीं बेटा, बदनामियों को गोद नहीं लिया जाता। अपनी सफाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। वही तो सह रही वानिया की करतूतों की सजा मुझे ही तो मिल रही है। सारिम अपनी बहन पे इतना एतमाद करते हैं कि उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते, पर वही बहन उस एतमाद की धज्जियां उड़ा रही है। लगता है हमारे फ्लैट के लोगों को किसी की नजर लग गई है। जिसकी भी शादी हो रही है वो नाकाम हो रही है। किस किस को लग गई नजर? नवीद की शादी चंद माह बाद खत्म हो गई। सारिम की शादी के बारे में भी यही सुनने में आ रहा है कि उसका मामला आर पार होने वाला है। और हमारे बेटे की शादी हुई है तो बहू बेगम अपना घर बसाने को तैयार नहीं। पता इन सब केसेस में गलतियां लड़कों की नहीं थी, लड़कियां गलत थी। ना उनमें कोई नरमी थी, ना लचक, और ना ही वो मामला फहम थी। किसी की खुशियों को किसी की नजर लगती है ना, तो फिर सब उलट पुलट हो जाता है। अगर ये बात है तो फिर क्या लोगों को अपनी खुशियां भी छुपा कर रखनी चाहिए? लगता है कि अब हमें अपनी खुशियां दिल के लॉकर में छुपा कर रखनी चाहिए ताकि किसी की नजर ना लग जाए। कह
है तो तुम ठीक ही रही हो। अब लोगों को सिर्फ अपनी खुशियां ही अजीज हैं, दूसरों की परवाह नहीं है उनको। मगर हमारी खुशियों को तो सारा की माँ डकार गई है। बहू के जाने से घर कितना बेरौनक होकर रह गया है। मम्मी, ये आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? वो मैं ग्रोसरी करने गई थी। इतना तैयार होके घर का सामान कोई भी लेने नहीं जाता। मुझे सच सच बताएं आप कहाँ गई थी? कहाँ ना, कहीं नहीं गई थी। वो पड़ोस में शाजिया है ना, उसकी तबीयत खराब थी तो मैं जरा उसको पूछने चली गई थी। सारिम के ऑफिस गई थी ना? हाँ भाई, गई थी। कोई पहली बार तो नहीं गई मैं उसके ऑफिस। और आप कल भी उसके ऑफिस गई थी? हाँ गई थी। और उसने आपसे मिलने से इनकार कर दिया है ना? वो ऑफिस में था ही नहीं। जब एक इंसान आपसे मिलना ही नहीं चाहता, फिर आप उसके ऑफिस क्यों गई थी? सारिम, ये घर वाले घर पे नहीं है क्या? इतना सन्नाटा क्यों है घर पे? हाँ, वो वानिया अम्मी के साथ गई है मेरी एक खाला अम्मी के घर पे। और एनी मायके में। क्या भाभी अभी तक अपने मायके से वापस नहीं आई है? नहीं यार। सारिम, अब मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी किस बात पे भाभी से लड़ाई हुई, क्यों और कैसे हो, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, मुझे बात तुम ही मुझसे कहते हो कि जो मजा दोस्ती में है वो लड़ाई में नहीं। बाज दफा दोस्ती करना मुश्किल हो जाता है नवेद। ठीक कह रहे हो तुम, मगर माफ करना तो इतना मुश्किल नहीं। मुझ जैसे इंसान के लिए तो मुश्किल था। यार हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं, और गलतियां इंसानों से ही हुआ करती हैं। मुझसे भी हुई हैं, तुमसे भी हुई होंगी। और अगर भाभी से ऐसी कोई गलती हो गई है तो उन्हें माफ करने की कोशिश करो। माफ करना इतना आसान भी नहीं होता। आसान तो नहीं होता, मगर नामुमकिन भी नहीं होता। अपनी शक्ल देखो आईने में, भाभी के जाने के बाद कितनी वीरान हो गई। शर अपनी जिंदगी को मुश्किलात की पटरी पर हम खुद डालते हैं और आसानियां किसी को देने के लिए तैयार नहीं होते। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं जा रहा हूं अपनी आपा के घर। अब तुमने डिसाइड करना है कि तुमने भाभी को कब वापस लाना है। अल्लाह हाफिज। कहीं अदनान बीमार ना हो गए हूं। अगर तेरा दिल चाह रहा है ना वानिया के यहाँ जाने के लिए तो ये और बात है, लेकिन अदनान के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच के ही कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। मगर क्यों? कोई वजह भी तो हो। मुझे नाराजगी का दुरानी इतना खींचना नहीं चाहिए। दो बज रहे हैं, एकेडमी की छुट्टी होने वाली होगी।
कोई पहचान।